हॉस्टल एमएमएस हंगामा लगातार इसी को लेकर बात हो रही है और बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जहां एमएमएस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है। देखिए लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, एक बार फिर जानकारी दे दें, एमएमएस कांड की जांच अब एसआईटी के जिम्मे सौंप दी गई है। 3 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। पंजाब डीजीपी गौरव यादव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। ये पंजाब के डीजीपी का कहना है। लेकिन देखिए इसमें सवाल कई उठ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जैसे ही ये जानकारी सामने आई, उसके बाद से ही यूनिवर्सिटी का पूरा प्रशासन और पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में थी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर इस पर पर्दा डालने, इसको दबाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखते हुए और छात्रों ने जिस तरह से छात्राओं ने रोष प्रदर्शन किया, हंगामा किया, उसके बाद इन तमाम चीजों को देखते हुए पूरे मामले में अब एसआईटी के जिम्मे इस पूरे मामले को सौंप दिया गया है। 3 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी। 3 टीमों का गठन किया गया है और तीनों ही टीमें पूरे मामले पर गहनता से जांच करेगी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आश्वस्त कर दिया है सभी को कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। लेकिन निष्पक्षता कितनी है वो तब पता चलेगा जब पूरे मामले को लेकर ये देखना होगा कि आखिर जांच के बाद क्या क्या खुलासे किए गए हैं। आखिर जो वीडियो बनाया जा रहा था, ये पहली बार जो है जो लड़की को पकड़ा गया, क्या इससे पहले भी इस तरह के वीडियो बनते रहे, ऐसे कई सवाल। रिगार्डिंग द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आई वांट टू अप्राइज दैट इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन एट फुल पेस। पुलिस हैज मेड 3 अरेस्ट इन द केस, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ स्टूडेंट एंड 2 अदर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैव बीन सीज्ड। आई वुड लाइक टू थैंक डीजीपी हिमाचल प्रदेश एंड द हिमाचल पुलिस फॉर एक्सटेंडिंग ऑल कोऑपरेशन टू पंजाब पुलिस इन मेकिंग द अरेस्ट लेट यस्टरडे। एंड सीएम पंजाब के आदेशों तो बाद इस द हाई लेवल प्रोब ऑर्डर होया हैगा। वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 मेंबर ऑल वोमेन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विच विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरप्रीत देव, सीनियर IPS ऑफिसर। एंड आई वॉन्ट टू make 2 assurances to the students, the parents and the community at large. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. We would investigate deeply. Whoever is involved will not be spared. Nobody in this case will be spared. Investigations are going on a day-to-day basis. एक मैं अपील भी करूंगा जी, दैट एवरीवन शुड मेंटेन काम एंड पीस एंड डू नॉट लिसन टू र्यूमर्स। अ लॉट ऑफ कंटेंट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया विच इज समटाइम्स अनवेरीफाइड, अनकोरोबरेटेड। सो आई वुड से दैट लुक एट ऑथेंटिक चैनल्स फॉर इंफॉर्मेशन। एंड ऑल ऑफ अस एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैव अ ड्यूटी टू प्रिजर्व हार्मनी एंड पीस इन सोसाइटी। तो लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS मामले में 3 सदस्यीय टीम बना दी गई है। और सबसे बड़ी बात थी कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। डीजीपी का साफ तौर पर यह कहना कि निष्पक्षता से जांच होगी। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इस पूरे मामले में जांच के बाद और कौन से बड़े और नए खुलासे होंगे और उसी के साथ पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे दें। छावनी में तब्दील हुई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, भारी पुलिस बल के साथ ARP की 2 टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है LPU, PU और उसी के साथ चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पहुंचे CU के स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए। तमाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो है जितनी भी छात्राएं हैं उनका समर्थन करने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र भी वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए अब एक के बाद एक ये हंगामा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि देर रात ही कह दिया गया कि जो छात्राएं हैं उन्होंने बातचीत कर उनको समझा कर इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जो पूरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया, और चितकारा यूनिवर्सिटी हो, चाहे तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी हो या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी, सभी के छात्र जो है वहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं के समर्थन के लिए इकट्ठा हो गए हैं। यानी कि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, और उसी के साथ पंजाब पुलिस की बात हो या फिर जिस तरह से प्रशासन पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए हो सकती है। क्योंकि अब ये मामला सिर्फ CU का नहीं रह गया, उसी के साथ तमाम दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह का प्रकरण इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, ये कहीं ना कहीं तमाम दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी एक खतरा हो सकता है।
हालांकि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जाहिर सी बात है कि ये खबर कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के जो है मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करती है, और जिस तरह से चाहे हम पढ़ाई की बात करें, मानसिक तौर पर किस तरह से अपने आप को एक बार फिर से स्टेबल किया जाए उसकी बात की जाए, इस तरह के कई सवाल हैं जो स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको बता दें ये सबसे बड़ी अपडेट कि पूरी यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और उसी के साथ भारी पुलिस बल के साथ एआरपी की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और एलपीयू पीयू और चितकारा के स्टूडेंट भी पहुंच सकते हैं, ये भी हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर से, मेरे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप सुबह से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर हैं और आप देख रहे हैं कि स्कूल में छह दिन के यूनिवर्सिटी में छह दिन की छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद से अब तमाम छात्र छात्राओं की रवानगी घर की ओर हो रही है। अब ये भी खबर आ रही है रवि कि चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो, चितकारा की बात हो, या तमाम दूसरी यूनिवर्सिटी, उसके भी स्टूडेंट्स इस मामले के आने के बाद विरोध कर रहे हैं और सीयू के बाहर पहुंच सकते हैं। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस स्कैंडल की बात करें, एमएमएस स्कैंडल के बाद से जो है कल देर रात जो है वो काफ़ी हंगामा जो है स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिला। लगातार जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो लगभग रात के 3:30 बजे तक जो है वो देखने को मिला। उसके बाद से जो स्टूडेंट्स की मांगे थी उन मांगों पर जो है वो सहमति जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जताई गई, साथ ही साथ पुलिस द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जो है वो जाँच की जाएगी। और आनन फानन में जिस तरीके से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा इस पूरे मामले को शांत करने के लिए अब 6 दिनों की यानी कि आगामी 24 सितंबर तक जो है वो छुट्टियों का ऐलान किया जा चुका है, और जिसके बाद जो है लगातार स्टूडेंट्स का जो है वो अपने घरों की ओर रवाना होना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकेंड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की, फाइनल ईयर की बात करें, तो वो स्टूडेंट्स अभी भी हॉस्टल में बने हुए हैं। हालांकि उन्हें लगातार जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं अपने घरों के लिए रवाना हो, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स जो हैं वो बेशक बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग फ्लैट्स पे, अपने फ्रेंड्स के फ्लैट्स पे जो है वो वहाँ पे रुक रहे हैं, ताकि यदि बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, जिस तरीके से कॉल दी गई है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इन तमाम यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और लगातार एमएमएस स्कैंडल को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे।